हेलो गाइस, स्वागत है कोई नई वीडियो में। आज की वीडियो में यार हम लेके आ चुके हैं कैमरे वाली कार। तो जल्दी से करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं कि हमारी कैमरे वाली कार के साथ में और भी हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिल जाती है। तो गाइस मैं इस गाड़ी को अनबॉक्स करा, उससे पहले छोटी चीज की डिटेल देख लेते हैं। तो गाइस यार ये गाड़ी काफी शानदार होने वाली है, और इसके अगर डिटेल की बात करें फुल्ली फंक्शन होने वाली है, और इसके अंदर जो व्हील है वो काफी ज्यादा बड़े है। साथ में इसके अंदर पावरफुल मोटर भी होने वाली है, और रिमोट कंट्रोल की अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी इसके अंदर देखने को मिल जाती है। और ये गाड़ी हमारा दो कलर में आती है, ब्लू और इस प्रकार के ब्लैक और ऑरेंज कलर में देखने को मिलती है। इसका रिमोट कंट्रोल देखने को मिलता है, जिसके ऊपर इस प्रकार का मोबाइल होल्डर भी देखने को मिल जाता है, और वाई गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में इसके अंदर जो वायरलेस कैमरा है उसे कंट्रोल करने के लिए हमें QR कोड भी देखने को मिल जाता है, उससे हम इसके ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। साथ में हमारी गाड़ी को हम इस प्रकार से मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी इस प्रकार की हमारी गाड़ी होने वाली है, और इसके अंदर इस प्रकार के ग्लास भी देखने को मिलते हैं, जिससे कि हमें इस प्रकार का एक ट्रैक बनाकर इसकी गाड़ी को चलाएंगे। बाकी यहाँ से हमारी गाड़ी को निकालते हैं। गाइस ये देखो, इसके अंदर हमें इस प्रकार की एक यूजर गाइड देखने को मिलती है सबसे पहले, जिससे आप पढ़ के इस गाड़ी को पूरी तरह से चला सकते हो। तो इसको तो रखते हैं साइड में। उसके साथ में हमें इस प्रकार का एक पाउच देखने को मिलता है, जिसके अंदर एक तो होने वाला है कि स्क्रू ड्राइवर, और साथ में होता है होने वाला है इसका चार्जर, जिससे कि हम इसकी बैटरी को चार्ज करेंगे। और क्या देखने को मिलता है, तो गाइस इस प्रकार का हमें बॉक्स देखने को मिलता है, और सबसे पहले देखने को मिलती है इस प्रकार की गाड़ी। भाई साहब यार गाड़ी बहुत छोटी है यार, बाकी दिखने के मामले में काफ़ी अच्छी लग रही है। और इस प्रकार के हमें व्हील देखने को मिलता है, काफ़ी यार हार्ड प्लास्टिक के हमें इसके अंदर व्हील देखने को मिलता है। बाकी ग्रिप काफ़ी तेज़ देखने को मिलती है। यहाँ पर इसका एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसको हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, इस प्रकार से अलाइन कर सकते हैं। बाकी पीछे में एक छोटा सा स्पॉइलर देखने को मिलती है, और ये गाड़ी हमारी ऑफ रोड होने वाली है। देखते हैं कि ये ऑफ रोडिंग में कब चल पाती है या नहीं। बाकी इसका कलर काफ़ी शानदार है, और नीचे की बात करें यहाँ पर इसका ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिलता है, और जैसे ऑन करते हैं यहाँ पर हमें एक लाइट इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। बाकी देख सकते हो बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। तो इसको गाड़ी को तो रखते हैं साइड में। उसके साथ में हमें इस प्रकार की ग्लासेस देखने मिलती है, जिससे कि हम गाड़ी का एक ट्रैक बनाकर हमारी गाड़ी को इसके अंदर अंदर चला सकते हैं। इस प्रकार से ट्रैक बना देंगे, और फिर हमें गाड़ी को इस प्रकार से चलाएंगे इससे, तो इस प्रकार से हम चला सकते हैं। उसके साथ में हमें इस प्रकार का रिमोट कंट्रोल देखने मिलता है, जो कि हम एक साथ एक हाथ से ही चला सकते हैं। इस प्रकार से कंट्रोलिंग काफ़ी ठीक ठाक है। यहाँ पर हमें ऑन ऑफ का बटन देखने को मिलता है, और यहाँ पर हमें एक और बटन देखने को मिलता है, शायद ये डेमो का बटन हो सकता है। बाकी यहाँ पर हमें इस प्रकार का हमें मोबाइल होल्डर देखने को मिलता है, जो कि हमें यहाँ पर लगा के इस प्रकार से यहाँ पर हमारा मोबाइल लगाएंगे, और फिर हमें मोबाइल से भी हम गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारा कैमरा भी देख सकता है। यानी कैमरे के अंदर जो भी हमें आगे का जो भी नज़ारा देखने को मिलता है ना, वो हम यहाँ पर फोन से देख सकते देखने को मिलेगा। तो गाइस हमारे कैमरे वाली कार का टेस्ट करते हुए देखते हैं किस प्रकार चलती है। 1 2 3 वाह क्या बात है गाइस, कंट्रोलिंग देखो, इसकी कंट्रोलिंग कितनी तगड़ी देखने को मिलती है। वाह मज़ेदार है, ओहो क्या बात है भाई साहब, एक नंबर की कंट्रोलिंग देखने को मिलती। वाह और स्पीड देखो, स्पीड लगभग 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसके अंदर में स्पीड देखने को मिल जाती है। वाह क्या बात है, और अब इसका कैमरा देखो कितना तगड़ा है, इसका कैमरा है वो स्टेबल भी है। ये देखो अभी हम देखेंगे कैमरे के अंदर, ये देखो हम कैमरा चला रहे, वो हेलो चलो रिकॉर्डिंग करते हैं इसकी। रिकॉर्डिंग आ गई, ये रहा वीडियो, वीडियो स्टार्ट हो गई है। वाह क्या बात है, क्वालिटी यार ठीक ठाक देखने को मिलती है। लगभग मुझे लग रहा है इसके अंदर 2 से 3 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। ओहो सबसे अच्छी तो लग रही मुझे। वाह हेलो गाइस, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वाह ये देखो तगड़ी है ना, क्या बात है, मज़ा आ गया ठीक ठाक। देखो इधर क्वालिटी बता रहा हूँ मैं, ये देखो मेरी क्वालिटी, इस प्रकार का कैमरा देखने को मिलता है। तो गाइस हम इस कैमरे वाली कार की रेंज देख रहे हो, देखते हैं कितने दूर तक जा सकती है। वाह क्या बात है, एक नंबर की स्पीड है इसके अंदर। वाह लगभग 30 फीट जा चुकी है, और आगे रखते हैं इसे और देखते हैं आगे कितने दूर तक जा सकती है। और गाइस देख सकते हो काफ़ी स्पीड से जा रही है, भाई साहब स्पीड देखो, स्पीड कितनी तगड़ी है, और यह जा सकती है आराम से 70 से 80 फीट, और आगे भी जा सकती थी, बस हमारी यहाँ जगह कम पड़ गई। लेकिन इसकी रेंज की बात करें लगभग 100 फीट तक देखने को मिल जाती है हमारे इसके अंदर रेंज। तो गाइस हमने बैटरी भी चेंज कर दिया, लेकिन नहीं खींच पाई, थोड़ा सा सहारा देते हैं, सहारा देने के बाद चलेगी, और सहारा दिया लेकिन थोड़ा भी नहीं खींच पा रही यार, सहारा देने के बाद भी नहीं यार, क्योंकि यार इसका वेट बहुत ज़्यादा है। ये तो हमारी छोटी सी पिद्दी सी कार है, पहले देखो स्पीड फुल लगा रही है, बस खींच नहीं पा रही है, खींचने का प्रयास तो फुल कर रही थी लेकिन नहीं खींच पा रही है, क्योंकि यार ये बहुत छोटी है और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो गाइस हमारी छोटी सी कार से क्लाइंबिंग करा रहे हो, देखते हैं क्लाइंबिंग करवा दिया नहीं। 1 2 3 वो ना बाबा यार,
फुल स्पीड से आ रही है वो थोड़ी सी की, एक बार फुल स्पीड से लेकर आते हैं। ये आ रही है हमारे पीछे से आ रही है, 1 2 3। ओ ना यार, पावर तो बहुत है लेकिन यार क्लाइंबिंग नहीं कर पा रही है। ओ थाल खा गई। वन टू थ्री, वाओ।